हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एडिट फीचर में एक्सट्रूडेड कट क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं स्केच। हम एक 3D बॉडी बना लेते हैं जिसमें हम एक्सट्रूडेड कट यूज करेंगे। रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक फ्री हैंड सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। फीचर्स पे क्लिक करें, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसका थिकनेस 40 mm, एंटर। ओके, तो देखिए हमारा बॉडी बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें एक्सट्रूडेड कट यूज करेंगे। एक्सट्रूडेड कट यूज करने के लिए हमें एक स्केच बनाना होगा। स्केच बनाने के लिए हमें फेस सेलेक्ट करना होगा। तो आप कोई भी फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये फेस या फिर ये फेस या फिर ये फेस, या फिर आप प्लेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन या फिर राइट प्लेन। तो हम फेस सेलेक्ट करेंगे, तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे। तो इस फेस पे क्लिक करें और स्केच पे क्लिक करें और नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से एक फ्री हैंड सर्किल ड्रॉ कर लेंगे और फीचर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे ये सारे एडिट फीचर दिए गए हैं, जैसे एक्सट्रूडेड कट, होल विजार्ड, रिवॉल्व कट, स्वेप्ट कट, लॉफ्टेड कट और बाउंड्री कट। आज हम एक्सट्रूडेड कट सीखेंगे, तो एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक करें। तो अब आपका एक्सट्रूडेड कट कमांड एक्टिव हो गया। कट एक्सट्रूड में मेनी टाइप्स का टूल दिया गया है, डायरेक्शन वन, ड्राफ्ट एंगल, डायरेक्शन टू, थिन फीचर। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम डायरेक्शन वन देखते हैं। डायरेक्शन वन में मेनी टाइप्स का टूल दिया गया है, उसे जानने के लिए इस एरो पे क्लिक करें। तो ब्लाइंड, थ्रो ऑल बोथ, अप टू नेक्स्ट, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, अपसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी और मिड प्लेन। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम ब्लाइंड देखेंगे। इसमें क्या होता है कि आप डायमेंशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करते हैं कि आपको कितने mm थिकनेस तक मटेरियल को रिमूव करना है। जैसे हमें यहाँ पे 20 mm थिकनेस तक मटेरियल रिमूव करना है, तो 20 एंटर। ओके, तो ये देखिए 20 mm थिकनेस तक ये मटेरियल एक्सट्रूड कट हो गया। कट एक्सट्रूड पे राइट क्लिक करें और एडिट फीचर पे क्लिक करें। अब नेक्स्ट थ्रो ऑल। थ्रो ऑल में क्या होता है कि जितना भी थिकनेस है वहाँ तक मटेरियल रिमूव होगा। ओके कीजिए, तो ये देखिए मटेरियल रिमूव हो गया। एडिट फीचर, नेक्स्ट थ्रो ऑल बोथ। इसमें क्या होता है कि मटेरियल की जितना भी थिकनेस है वहाँ तक पूरा मटेरियल रिमूव होगा, लेकिन ये दोनों साइड मटेरियल रिमूव होगा। ओके कीजिए, तो ये देखिए मटेरियल रिमूव हो गया। एडिट फीचर, नेक्स्ट है अप टू नेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि अगर इसके सामने कोई दूसरी बॉडी रहती तो हम बॉडी या फिर सरफेस सेलेक्ट करते, तो हम यहाँ भी ये सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए
मटेरियल रिमूव हो गया। एडिट फीचर। नेक्स्ट है अप टू वर्टेक्स, वर्टेक्स पॉइंट, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। ओके कीजिए। एडिट फीचर। नेक्स्ट है अप टू सरफेस, तो इसके सामने कोई दूसरी बॉडी का सरफेस होता तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर यहाँ पे हम सरफेस सेलेक्ट करेंगे। ओके। एडिट फीचर। नेक्स्ट है अपसेट फ्रॉम सरफेस, इसमें क्या होता है कि आप डायमेंशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करते हैं, तो हम यहाँ पे 10 इनपुट करेंगे, एंटर। ओके कीजिए। तो ये देखिए, इस सरफेस से अपसेट हो गया 10 mm तक, और ये यहाँ तक मटेरियल रिमूव हो गया। एडिट फीचर। नेक्स्ट है अप टू बॉडी, अगर ये दूसरी बॉडी रहेगी तो वहाँ तक ये एक्सट्रूड कट हो जाएगा, तो हम इसका ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे। ओके कीजिए। नेक्स्ट एडिट फीचर। मिड प्लेन, मिड प्लेन में आप डायमेंशन इनपुट कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हम यहाँ पे 20 mm, एंटर। इसमें क्या होता है कि ये दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे मटेरियल रिमूव करेगा, पर इसकी दूसरी साइड कोई बॉडी नहीं है। ओके करें। तो यह देखिए, ये साइड हमारा ब्लैंक है और ये साइड कट हो गया। एडिट फीचर। ब्लाइंड रखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लिप साइड टू कट, इस बॉक्स में क्लिक करें और ओके कीजिए। तो ये देखिए, ये आउटसाइड की मटेरियल रिमूव हो गई। एडिट फीचर। तो इसे अनटिक कीजिए और हम ड्राफ्ट एंगल लगाएंगे, तो इस पर क्लिक करें और इसका इनपुट कीजिए, जैसे हम 10 डिग्री, एंटर। तो हमारा ये इनसाइड हो रहा है, चाहे तो हम इसे आउटसाइड कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस 40 mm, एंटर। देखिए आउटसाइड में हमारा इस तरह का दिखेगा, अगर हम इसे इनसाइड करेंगे तो ये अंदर की साइड हो जाएगा। एडिट फीचर। अब देखेंगे डायरेक्शन टू, तो डायरेक्शन टू वाले बॉक्स में क्लिक करें। हम डायरेक्शन टू यूज कर सकते थे जब हमारे पास दूसरी बॉडी होती तो, पर अभी नहीं है, फिर भी हम सीख लेते हैं। तो डायरेक्शन टू में भी सेम टूल दिया गया है, ब्लाइंड, थ्रो ऑल, अप टू नेक्स्ट, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, अपसेट फ्रॉम सरफेस और अप टू बॉडी।
फिर इसमें भी ड्राफ्ट एंगल लगा सकते हैं। ओके कीजिए, कट एक्सट्रूड को डिलीट कीजिए। एक्सट्रूडेड कट सेलेक्ट कीजिए स्केच। इसमें एक फीचर दिया गया है, थीन फीचर। थीन फीचर वाले बॉक्स में क्लिक करें तो थीन फीचर में तीन टूल दिया गया है, डायरेक्शन वन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन वन और इसका 12 mm एंटर। ओके कीजिए, तो ये देखिए ये पाइप की तरह कट हो गया। इसे एडिट करेंगे, इसका क्लाइंट रखेंगे और इसका डायमेंशन 40 mm एंटर। ड्राफ्ट एंगल 13 डिग्री एंटर। अब ये इनसाइड है, हम चाहे तो इसे आउटसाइड कर सकते हैं। ओके कीजिए, तो ये पूछ रहा है ऑल बॉडीज ओके। तो देखिए ये ड्राफ्ट एंगल पे थीन फीचर में एक्सट्रूडेड कट हुआ है। यह था एक्सट्रूडेड कट, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।